देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है क्या। देखिए जब हम बात करते हैं ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए, तो इस मेथड के लिए जो उपयुक्त डेफिनेशन होगी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की, वो होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। जितने भी नॉन जीरो रो होंगी इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में, उससे हम कहेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ। राइट, आप देखिए हम मैं समझना होगा कि इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है क्या। देखिए किसी भी मैट्रिक्स की इक्लोन फॉर्म होगी अगर एवरी रो ऑफ ए हैज ऑल इट्स एंट्रीज जीरो विच ऑक्योर्स बिलो एवरी रो हैविंग ए नॉन जीरो एंट्री। राइट, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन रो इन लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो। देखिए इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है क्या, यहाँ हमने क्या कहा, ये हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जो इक्लोन फॉर्म का एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है ये। देखिए इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें केवल फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का वो ही नॉन जीरो एलिमेंट है, और जो बाकी जो एलिमेंट हैं फर्स्ट कॉलम के वे जीरो हैं। इसी प्रकार जो अगर हम सेकंड कॉलम की बात करें तो इसमें सेकंड कॉलम के दो एलिमेंट ही नॉन जीरो एलिमेंट हैं, बाकी जो एलिमेंट है वे जीरो है। यानी कि एक सीरीज आप देख रहे होंगे कि पहले में केवल एक एलिमेंट ही नॉन जीरो, उसके बाद दूसरे कॉलम में दो एलिमेंट नॉन जीरो हैं और दो एलिमेंट नॉन जीरो हैं, थर्ड कॉलम में तीन एलिमेंट नॉन जीरो और एक एलिमेंट जीरो है। यानी कि एक आप देख रहे होंगे कि ये जो एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है नीचे वाली, ये पूरी जीरो है तो ऊपर वाली नॉन जीरो है। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी वो कहलाती है इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अब ई ट्रांसफॉर्मेशन से हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ई ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो देखिए ई ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, यानी कि ये जो मैं आपको ऑपरेशन बताऊंगा इस तरह के का जब हम मैट्रिक्स के साथ ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन कहलाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए वो ऑपरेशन हो सकता है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो या टू कॉलम का, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो या कॉलम बाई एनी नॉन जीरो नंबर। राइट, द एडिशन ऑफ नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ एनी रो और कॉलम टू अनोदर रो और कॉलम। देखिए इस तरह की जो ऑपरेशन है ये कहलाएंगे ई ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ई ट्रांसफॉर्मेशन को और अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए ई ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए हम ई ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए अब हम बात करेंगे एक नया टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स। इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देखिए अगर हम कोई मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, और अगर हम इसका ई ट्रांसफॉर्मेशन करें और इससे एक नई मैट्रिक्स हमारी बनेगी, इससे हमारी एक नई मैट्रिक्स बनेगी जो कि ई ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा बनेगी। अब ये जो नई मैट्रिक्स हमारी बनेगी इस मैट्रिक्स को अगर हम बी कहें, और ये जो हमारी मैट्रिक्स थी ओरिजिनल ये अगर ए मैट्रिक्स है, तो ये जो नई मैट्रिक्स हमारी ई ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा बनेगी ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की इक्विवेलेंस होगी। तो हम इन्हें कहेंगे ए बी विल बी इक्विवेलेंस टू ए। बी किसके इक्विवेलेंस होगी, ए की। राइट, तो यही इसकी डेफिनेशन है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन इफ ए मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एम एन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए बाई ए फाइनाइट चैन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, तो जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी बी उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस टू ए, ए इक्विवेलेंट टू बी, जहाँ बी हमारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनी एक नई मैट्रिक्स होगी। किसके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, ए के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनी। राइट, तो इसे हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी।
जो ये हमारी मैट्रिक्स थी ए, और जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नई मैट्रिक्स बनी बी, तो ये होगी ए इक्विवेलेंट टू बी। देखिए इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल है, एग्जांपल एग्जांपल ये है कि शो दैट द मैट्रिक्स ये एंड ये इक्विवेलेंट है। देखिए इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि ये जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है ए, और ये जो मैट्रिक्स है दूसरी वाली इसे हम कहेंगे बी मैट्रिक्स। तो देखिए हमें ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है, यानी कि ए इक्विवेलेंट है बी के, यानी कि ए से जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स होगी, राइट। तो हम ए का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उसकी सहायता से हम ये मैट्रिक्स लाने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो है 1 2 3 2 4 6, ये हमारी मैट्रिक्स है ए। देखिए हमें इसे बी मैट्रिक्स बी बनाने के लिए यहाँ जीरो चाहिए, तो इसके लिए हम करेंगे आर टू में चेंजेस। वो चेंजेस क्या होगा, आर टू माइनस टू इंटू आर वन। अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा जीरो, तो ये इक्विवेलेंट होगी 1 2 3। अब हमें दूसरे में चेंज करना है, दूसरी रो में देखिए आर टू जो कि टू है, और माइनस के 2 R1, माइनस के 2, ये होगा 0। आर टू का दूसरा टर्म है 4 माइनस 2 R1 यानी कि -4। आर टू का तीसरा टर्म है 6 माइनस के 2 R1 यानी कि -6। तो ये जो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन से जो नई रो बनेगी वो होगी 0 0 0, यानी कि अब हमें यहाँ 0 मिल गया। अब हमारा फोकस होगा यहाँ 0 बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ 0 है, अब हमें यहाँ 0 बनाना है। देखिए उसके लिए हम कॉलम नंबर 1 में चेंजेस करेंगे, वो चेंजेस होगा C1 माइनस 1/2 इंटू C2, 1 माइनस 2/2 1, और 1 - 1 होगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 जो कि हमें लाना है। तो ये होगा 0 और 0 2 0 3 0, ये इक्विवेलेंट होगा ए के, ए इक्विवेलेंट होगा इसके। अब देखिए अब हम चेंज करेंगे आर टू में, और आर टू प्लस 2 × R1, तो देखिए इससे क्या होगा, इससे होगा आर टू में हमें चेंजेस करना है, तो आर वन को हम एज इट इज लिख देंगे, आर टू जो कि 0 है इंटू 2 R1, ये 0, आर टू 0 प्लस 2 × R1 4, आर टू 0 प्लस 2 × R1 6। अब देखिए अब हम करेंगे सी टू और सी थ्री को इंटरचेंज करेंगे। देखिए इस इन्हें इंटरचेंज करने पर हमें मिलेगा 0 0 3 6 2 4, और ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है बी, राइट। तो इस प्रकार हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ए इक्विवेलेंट है बी के विद द हेल्प ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के लिए, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए हमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो निकालनी है वो निकालनी है इस मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में लाकर। देखिए इक्लोन फॉर्म, ये 4x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो इसे हमें इक्लोन फॉर्म में लेकर आना होगा। देखिए इक्लोन फॉर्म में मैंने आपको बताया था, सॉरी ये 4x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, 4x3, इसमें इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो ये 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और पहले हमें इसे इक्लोन फॉर्म में लेकर आना होगा, यानी कि इसके लिए हमें इसको 0 बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको, फिर इसको हमें 0 बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम इसे 0 बनाएंगे, वो इसे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो,
देखिए हमारा जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा आर थ्री में, जो कि होगा आर वन प्लस आर थ्री। तो देखिए ये होगा आर वन प्लस आर थ्री, हम आर थ्री में चेंजेस करेंगे तो जो बाकी हमारी रो है वे हम एज इट इज लिख देंगे। देखिए आर थ्री में चेंज हम करेंगे आर वन प्लस आर थ्री, यानी कि वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस फोर जीरो, और थ्री माइनस थ्री ये होगा जीरो। देखिए अब हमें यहाँ पर जीरो लाना है तो हम आर टू में चेंज करेंगे, वो चेंज क्या होगा आर टू माइनस थ्री इंटू आर वन। तो इसके बाद जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी वो होगी वन थ्री फोर थ्री आर टू, जो कि हमारा थ्री है, माइनस थ्री आर वन, तो थ्री माइनस थ्री होगा जीरो। इसी प्रकार नौ आर टू माइनस थ्री आर वन, तो तीन दिया नौ और नौ माइनस नौ जीरो। इसी प्रकार ये भी हमारा जीरो होगा और इसी प्रकार ये भी होगा नौ माइनस नौ जीरो, और हमारी जो लास्ट रो है वो ऑलरेडी जीरो है। देखिए इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार की जो फॉर्म है इसमें केवल एक ही नॉन जीरो रो है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन जीरो रो इन द इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये इक्लोन फॉर्म में तो है और इसमें केवल एक ही नॉन जीरो रो है, तो इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी जो रैंक होगी रैंक ऑफ ए वो होगी वन, राइट। देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमें निकालनी है, क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले हमें इसे इक्लोन फॉर्म में लेकर आना होगा। देखिए इक्लोन फॉर्म जब हमने पढ़ी तो उसमें हमने पढ़ा कि यहाँ केवल एक ही एलिमेंट होता है फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद जो एलिमेंट होंगे वे सब जीरो होंगे। इसी प्रकार सेकेंड कॉलम में दो एलिमेंट होंगे नॉन जीरो और दो एलिमेंट होंगे जीरो। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा, देखिए ये जो एलिमेंट ये तो जीरो है ऑलरेडी, इसको और इसको जीरो बनाने का हमारा फोकस होगा। देखिए सबसे पहले हम जीरो बनाएंगे इसको, तो हम आर फोर में चेंजेस करने वाले हैं, आर फोर, आर फोर माइनस आर वन, तो टू माइनस टू जब होगा तो ये होगा जीरो। और इसके साथ साथ हम आर थ्री में भी चेंज करेंगे और वो होगा आर थ्री माइनस आर वन, क्योंकि यहाँ भी टू है और टू माइनस टू होगा जीरो। देखिए उसके लिए ये जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी, अब चूंकि हमने आर वन और आर टू में कोई चेंज किया नहीं तो पहला हम इन्हें एज इट ही लिख देंगे फोर वन। देखिए आर थ्री, आर थ्री माइनस आर वन, आर थ्री है टू थ्री सेवन फाइव माइनस ये, तो इस प्रकार जो हमारी नई रो बनेगी वो होगी जीरो, टू माइनस टू जीरो, थ्री प्लस वन फोर, सेवन माइनस थ्री फोर, एंड पाँच में से चार गया एक। अब आर फोर में हम चेंजेस करेंगे, आर फोर माइनस आर वन, तो टू माइनस टू होगा जीरो। देखिए टू माइनस टू होगा जीरो, पाँच तो प्लस एक ये होगा छः, ग्यारह माइनस तीन आठ, और छः माइनस ये होगा दो। अब देखिए अब हम चेंज करेंगे आर फोर में, हमारा ये जो उद्देश्य होगा फोकस होगा वो होगा इसको जीरो बनाने का, तो सबसे पहले हम इसको जीरो बनाएंगे, तो ये करेंगे हम आर फोर, आर फोर माइनस टू इंटू आर टू, तीन दूनी छः और छः माइनस छः होगा जीरो। तो सिंपली हम इसको जीरो बना पाएंगे। तो देखिए रो वन टू और थ्री में कोई चेंज हमने नहीं किया है अभी, तो इन्हें हम एज इट ही लिख देंगे जीरो फोर फोर वन। देखिए आर फोर, आर फोर माइनस टू इंटू आर टू, तो छः माइनस छः ये ऑलरेडी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ बचेगा फोर, ये आठ माइनस आठ होगा जीरो, और ये भी हमारा होगा टू माइनस टू जीरो। देखिए आप जो हम चेंज करेंगे वे करेंगे सी टू में,
तो C2 में हम चेंज करने वाले हैं, इसे हम जीरो बनाएंगे। देखिए C2 माइनस 4 C4, तो 4 और माइनस 4 ये होगा 0। तो देखिए ये जो होगा माइनस 1 माइनस के 4 चौक 16, तो ये होगा माइनस के 17 माइनस के 1, और यहाँ ये 0 और ये 0। अब देखिए अगर हम इसका आगे भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम इस वाली रो को पूरी रो को जीरो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, राइट। और ये अब इक्लोन फॉर्म में, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ एक जीरो, एक नॉन जीरो एलिमेंट, उसके बाद के तीन एलिमेंट जीरो हैं। इसी प्रकार ये जो दो एलिमेंट हैं सेकंड कॉलम में, ये नॉन जीरो और उसके बाद ये एक दो जीरो, तो ये इक्लोन फॉर्म में है। तो इक्लोन फॉर्म में जो हमारी नॉन जीरो रो होंगी वो ही मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक होगी। तो इसमें नॉन जीरो रो कितनी है आप देख रहे होंगे, 3। तो इसकी रैंक जो होगी वो होगी 3, तो इसकी रैंक होगी 3।